महागठबंधन के वीरेंद्र नारायण यादव अपने नॉमिनेशन कंप्लीट करके सीधे अब अपने ऑफिस की तरफ, जहां पर ऑफिस बनाया गया वहां पर पहुंच रहे हैं। और ये इतिहास ही का लम्हा, उनके समर्थक उन्हें एक तरह से अपने फूल और माला के साथ स्वागत कर रहे हैं। और ये मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है, ये देखिए नज़ारा क्या लग रहा है। आज जीते हैं लो, हम लोग जीते हैं। जो पिछले 36 सालों से, पिछले बार लो हम लोग उखाड़ कर फेंक दिए, इस बार भी उखाड़ कर फेंक देना है। देखिए ये अपार समर्थन, और ये एक तरह से मोहब्बत मिल रहा है यहाँ पर आपको। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीरेंद्र नारायण ने अपना एक तरह से नॉमिनेशन कंप्लीट करके सीधे अपने एक तरह से स्टेज की तरफ जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहां पर लोगों का आना हुआ है। और ये क्या लग रहा है जनता, हम लोग अपार वोट से जीतेंगे। हम लोग 2017 का रिकॉर्ड भी बीच करेंगे। तेजस्वी का महागठबंधन में हम लोग का अपार। तो ये देखिए एक तरह से महागठबंधन के उम्मीदवार हैं यहाँ पर। आपको मैं सीधे तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जनसैलाब जो उमड़ा है, और ये जनसैलाब आप देख सकते हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार यहाँ पर वीरेंद्र नारायण यादव हैं। और ये चीज़ें आप देख सकते हैं, हर कोई एक तरह से यहाँ पर फूलों के साथ स्वागत कर रहा है। और बड़ी तादाद में यहाँ पर मंच लगा हुआ है। और ये नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर तमाम वरिष्ठ सीनियर लीडर्स भी मौजूद हैं। जीतेंगे आप लोग? हाँ, एकदम जीतेंगे। वीरेंद्र नारायण यादव जिंदाबाद। जबरदस्त एक तरह से समर्थकों में उत्साह है। और कहीं ना कहीं फूल और माला जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, और ये देख सकते हैं एक तरह से फूल और माला क्या लग रहा है। जिंदाबाद, जीतोगी 100% जीतोगी। हम लोग जीत चुके हैं, लड़ाई है ये नहीं है। अपार वोट से, एकदम बहुत अपार वोट से हम लोग जीते। कहीं ना कहीं ये जीत, हाँ, 30 वर्षों से जिन लोगों ने यहाँ पर डेरा जमाया था उसको पिछली बार भी हम लोगों ने हटा दिया था, और इस बार तो कहीं लड़ाई में ही नहीं रहेगा। ये जीत कहीं ना कहीं 24-25 के लिए संजीवनी और बड़ा होगा। बिल्कुल होगा, वो अलग चीज है, लेकिन ये जीत समझिए कि लोकतंत्र की जीत है। जिस तरह वोटरों को अभी तक जितना भी चुनाव होता था, ये स्नातक क्षेत्र का वोटर सबको पता तक नहीं था कि स्नातक का चुनाव कैसे होता है। समस्याएं थी जैसा कि मैंने अभी बतलाया, मेडिकल कॉलेज, कला और प्रेक्षा गृह, और विद्यालयों की बुनियादी ढांचा को ठीक करना, शिक्षकों की समस्याओं को जो जिस मंच पर मैं था उसको मजबूती से रखना, इन तमाम कार्यों को मैंने किया है। कोई भी भ्रष्टाचार हो, रिश्वतखोरी हो, उसके खिलाफ ऊंचे स्वर में मैंने बोला है। सारण कमिश्नरी और चंपारण को सुंदर और खूबसूरत बनाने के लिए शैक्षणिक रूप से और भाषाई रूप से भोजपुरी भाषा के विकास के लिए जो जो काम करना होगा, सारी हमारा सपना है, उसको पुनः दूसरे सत्र में मैं करूँगा।